जय हिंद गाइस, आज लेकर आऊं 89 पैसे का मात्र पैनी स्टॉक, जो कि इस पैनी स्टॉक में काफी बड़ी बिग न्यूज निकल कर आई है। और एक न्यूज नहीं गाइस, दो न्यूज इस कंपनी के अंदर निकल कर आई है। यही कारण है कि इस पैनी स्टॉक में, जो कि आप देख सकते हैं 5 डे के अंदर बीच बीच में अपर सर्किट लग जा रहा है गाइस यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप। और वन डे की बात करेंगे तो वन डे में आप देख सकते हैं 4.78% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया। यहाँ पर भी अपर सर्किट भी बीच में लग जा रहा है गाइस। तो गाइस, क्या न्यूज के बेस में ये छोटी कंपनियां क्या हमें अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर प्राइस इसका मात्र 0.89 पैसे का है गाइस। तो क्या हम यहाँ पर 1000 मात्र लगा करके क्या करोड़पति बन सकते हैं फ्यूचर में? क्या ऐसी कंपनियां क्या ग्रो कर सकती हैं या बड़ी हो सकती हैं गाइस? तो गाइस, न्यूज के बेसिस पर ये सब कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में और फंडामेंटल देखना काफी जरूरी हो जाता है गाइस। यही कारण होता है कि आम इन्वेस्टर ऐसे ट्रैप में फंस जाता है और अच्छा खासा अपना लॉस कर लेता है गाइस। इसी लालच में मैं इस छोटी सी कंपनी में यह न्यूज निकल कर आया है, तो 1000, 10000, 20000, 40000 या मेरे पास जितना पैसा है उतना डाल दूं इस कंपनी में, और फिर वह सपना देखने लगता है कि 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा गाइस। लेकिन गाइस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले न्यूज के बेसिस पर नहीं, पहले कंपनी के फंडामेंटल और आपको बिजनेस देखना चाहिए कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, क्या प्रमोटर भी अपने शेयरों को खरीदारी करके रख रखा है या नहीं, या फिर आपको ही बेवकूफ बनाया जा रहा है गाइस। तो ये कंपनी के दो न्यूज है, जो कि कंपनी यहाँ पर 9 अक्टूबर को जो कि फंड जुटाने पर बोर्ड मीटिंग है कंपनी की, और कंपनी 1:2 के रेशियो से जो कि स्टॉक का विभाजन करने जा रही है, इसका लास्ट डे है 23 सितंबर 2024। तो गाइस, पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है, क्या हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। कंपनी का नाम है श्रेष्ठा फिनवेस्ट गाइस, और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जो कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पर कंपनी काम कर रही है, और यह एक प्रकार की NBFC कंपनी है गाइस। और यह तो एक कंपनी का बिजनेस है और BSE पर आपको लिस्ट मिलेगी। मार्केट कैप है मात्र 146 करोड़ का इस कंपनी का, जबकि हाई 1.29 लगाया था, लो लगा था 0.49 का। यहाँ पर स्टॉक कॉपी 4.52 का, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक कॉपी ठीक है और इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पर स्टॉक अच्छे रेट पर मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पे 22.8 का गैस। बुक वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक सही रेट पर मिल रहा है, देख सकते हैं कि 0.83 का बुक वैल्यू है, उसी के आसपास स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। ROC एंड ROE कंपनी का प्लस में है, इस छोटी सी कंपनी में ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, और क्योंकि इतना अच्छा तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी प्लस में है। सेल्स भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर 15.6 करोड़ का जनरेट कर रही है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग पर सर भी कंपनी 0.20 पैसे का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज है कंपनी में 49.7 करोड़ का, जबकि यहाँ पर रिजर्व पड़ा हुआ 90.4 करोड़ का, तो यहाँ पर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है रिजर्व से, फिर भी कंपनी इसे मैनेज कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कंपनी इतनी अच्छी है और ग्रो कर सकती है तो प्रमोटर ही क्यों शेयर अपने बेचकर निकल गए हैं पूरे? प्रमोटर क्यों नहीं इतना ज़्यादा फायदा लेना चाहते, क्यों वो पैसा नहीं कमाना चाहते अपनी ही कंपनी से? देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग नहीं है गाइस। तो यही कारण है कि ऐसे पैनी स्टॉकों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए जिसमें खुद कंपनी का मालिक ही अपने कंपनी से दूर है। तो आप भला उस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस? यहाँ पर FIDIS की देख सकते हैं कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो गाइस, ऐसे पैनी स्टॉकों से हमेशा बचना चाहिए जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ना हो, FIDIS की कोई भी होल्डिंग ना हो गाइस। क्योंकि अगर यह इतनी अच्छी कंपनी है और अच्छा बिजनेस है तो प्रमोटर ही क्यों बेच कर निकल गया पूरे अपने शेयर, क्योंकि पब्लिक के पास पूरे के पूरे शेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% पब्लिक के पास पूरे शेयर है। यहाँ पर आम पब्लिक खरीदारी मची हुई है, देख सकते हैं अच्छा खासा वैल्यूम इसमें जनरेट हो रहा, काफ़ी लोग खरीदने में पड़े हुए हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लगा देता हूं जितना मेरे पास है पूरा लगा देता हूं, पूरी मेहनत की कमाई लगा देता हूं इसमें, और यह भाग रहा है, यह निकल कर आई है। लेकिन गाइस, यहां पर यह देखने वाली है, जब कंपनी का मालिक खुद इससे दूर भाग रहा है तो फिर आप क्यों इसमें घुस रहे हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही हो जाती है गाइस कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर होल्डिंग जरूर देख लें। और वही कंपनियां बड़ी हुई हैं, आप यह बात याद कर लो कि वही कंपनियां बड़ी हुई हैं जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक होती है गाइस, FIDIS की होल्डिंग होती है, वही कंपनियां बड़ी होती है।
क्योंकि प्रमोटर का पैसा खुद लगा होता है उसमें। प्रमोटर कभी भी नहीं चाहेगा उसका बिजनेस मतलब खराब हो या कंपनी खराब हो जाए, क्योंकि उसको वहां पर सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए गाइस, तब वह कंपनी अच्छी खासी आपको आगे ग्रो कर सकती है। इससे ज्यादा हो तो और भी बेस्ट है, लेकिन कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी में, क्योंकि प्रमोटर का पैसा लगाया है तो कभी नहीं सोचेगा मेरी कंपनी का बिजनेस ग्रो ना हो, और प्रमोटर का पैसा यहाँ पर सबसे ज्यादा डूबने वाला है। आप तो 1,000-2,000 लगाओगे, 10,000-20,000 लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर का ही पैसा सबसे ज्यादा डूबने वाला है। तो इसीलिए गाइस यह चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग तो हो ही हो। और गाइस कंपनी का अगर प्रॉफिट लॉस देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं 1 crore, 2 crore, 3, 4, 5, 2, 3, 13, और इस साल कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया, इसी कारण से इसमें काफी डिमांड आई इसके शेयरों में। 51 करोड़ रुपए कंपनी ने सेल्स जनरेट किया। और वही अदर इनकम की बात करें गाइस, अदर इनकम कंपनी कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है, जो कि यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है, कंपनी अपने बिजनेस से ही पूरा पैसा जनरेट कर पा रही है गाइस। वही नेट प्रॉफिट कंपनी का देख सकते हैं काफी अच्छा आया है, देख सकते हैं पहले -1, 0, -1, -5, अभी 32 करोड़ कंपनी ने पहली बार जनरेट किया गाइस, इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी का। और CAGR की बात करें गाइस, देख सकते हैं कंपनी ने पहले कभी भी रिटर्न बनाकर यहां पर नहीं दिया ऊपर, लेकिन इस साल कंपनी ने 46% का रिटर्न बना कर दिया है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत ही जबरदस्त आया है, देख सकते हैं कि 798% का है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 1032% का आया है गाइस। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा है, रिटर्न इक्विटी आप देख सकते हैं कि कम है, बैलेंस शीट यहाँ पर कंपनी की देख सकते हैं, जो कंपनी में रिजर्व कम है और कर्ज ज्यादा है, जो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। और वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे गाइस, तो प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने बताया था कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर है ही नहीं, पूरी पब्लिक के पब्लिक की होल्डिंग है, तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा बिग पॉइंट है। वही गाइस पब्लिक पर नजर डालें गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक में काफी लोगों ने इस छोटी सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और काफी हैवी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर जो काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस छोटी सी कंपनी में। तो गाइस ऐसे पैनी स्टॉक काफी रिस्की होते हैं और रिवार्ड्स भी अच्छा खासा दे जाते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर इन छोटी कंपनियों में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं, पंप एंड डंप होता रहता है, तो जो कोई आम इन्वेस्टर इनमें फंस के रह जाता है गाइस। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक रिसर्च कर लेना चाहिए गाइस, और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए है। धन्यवाद।